सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मेरा फैशन लेकर आए हैं आपके लिए सिल्क साड़ी की विशाल रेंज, जिसमें आपको ब्रांडेड सिल्क साड़ी की कई वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप साड़ी के होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं घर बैठे, तो सूरत के अजमेरा फैशन आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर डिजाइनर साड़ी बिल्कुल ही कम कीमतों पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो साड़ी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पैठनी साड़ी हम लोग इसको बोलते हैं। महाराष्ट्र में बहुत ही ज़बरदस्त इसकी डिमांड रहती है। ऐसे तो आजकल सभी जगह ये साड़ियाँ चलने लग गई है, पर महाराष्ट्र में इसको पैठनी साड़ी बोला जाता है। ये पूरी ऑल ओवर साड़ी है। ये ब्लाउज़ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये कुछ इस तरीके का इसका ब्लाउज़ है। ये फ्रंट और बैक दोनों बने हुए हैं, दोनों साइड में बाँह के ऊपर ये बॉर्डर आ जाएगा। ये भी नायलॉन बेस का ही ब्लाउज़ है। जो साउथ की प्योर सिल्क साड़ी आती है, इसको आप वही बोल सकते हैं। देखिए कुछ लुक इसका इस तरीके का आएगा पहनने के बाद में। साड़ी बहुत ही सुंदर सिंगल कलर की साड़ी है। ये नेक्स्ट पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सिल्क बेस के ऊपर लिया है हमने, पूरा शाइनिंग वाला कपड़ा है। और प्रिंट जो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये डिजिटल प्रिंट है पूरा। साड़ी का लुक कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा पहनने के बाद में। ये भी बहुत प्यारी और रिच साड़ी लगती है। ये भी सिल्क बेस पे ही है, ये एम्ब्रॉयडरी के साथ है। इसमें ये देखेंगे आप, ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है पूरा जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये भी सिल्क बेस का ही आइटम है, खटचोला जिसको बोलते हैं, पटोला स्टाइल साड़ी। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। तो अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करके आप सीधे साड़ियों की विशाल रेंज अपने बिजनेस के लिए मंगा सकते हैं और बिना किसी शॉप के घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉल करें अभी अजमेरा फैशन को। दोस्तों वायु मार्ग आज ट्रांसपोर्टेशन का सबसे तेज साधन है। हर विकसित देशों की तरह भारत देश भी अपने कई शहरों में एयरपोर्ट्स को डेवलप करते जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ मध्य प्रदेश राज्य के एक खूबसूरत से एयरपोर्ट जबलपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जबलपुर एयरपोर्ट, जिसे रानी दुर्गावती अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर से 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक हवाई अड्डा है। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद ये मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। जबलपुर एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जबलपुर एयरपोर्ट का एयरपोर्ट कोड JLR है। जबलपुर एयरपोर्ट से जबलपुर रेलवे स्टेशन की दूरी 13 किलोमीटर, जबकि जबलपुर बस स्टैंड की दूरी 14 किलोमीटर है। जबलपुर हवाई अड्डा संपूर्ण मध्य प्रदेश, विशेष रूप से महाकौशल क्षेत्र में कार्य करता है। ये पर्यटकों को सेवा प्रदान करता है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करते हैं, और नर्मदा नदी के दोनों ओर संगमरमर की चट्टानें और झरने के अप्रतिम दृश्य को देख सकते हैं। दोस्तों जबलपुर हवाई अड्डा 760 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। एलायंस एयर, इंडिगो और स्पाइस जेट जबलपुर से और जबलपुर के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जबलपुर एयरपोर्ट में कुल 3,31,085 लोगों ने ट्रैवल किया था। वहीं 5,453 वायुयानों की आवाजाही एयरपोर्ट्स के माध्यम से की गई थी। दोस्तों जबलपुर हवाई अड्डे का निर्माण 1930 के दशक में ब्रिटिश काल के हवाई अड्डे के लिए किया गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान समय समय पर रॉयल एयरफोर्स और रॉयल फ्लाइंग कोर द्वारा उपयोग किया जाता था।
इसे आमतौर पर जुबुलपुर एरोड्रोम के रूप में जाना जाता था और यहां पर 1960 के दशक तक एक बेहद ही गंदा रनवे था। नया पक्का रनवे मूल गंदगी रनवे के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, जबलपुर एयरपोर्ट के रनवे एयरबस 320 फैमिली, बोइंग 737-800 सहित नैरो बॉडी के विमानों की सेवा करने में सक्षम है और नाइट लैंडिंग सुविधाओं DVOR, DME, NDB और सटीक दृष्टिकोण पथ संकेतक से सुसज्जित है। इसमें एक A320, B737 या दो ATR-72 विमान के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी मौजूद है। जबलपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल में पीक आवर्स में 200 यात्रियों को संभालने की क्षमता है। इसमें सुरक्षा के लिए CCTV और एक्सरे मशीन के अलावा 4 चेक इन डेस्क हैं। हवाई अड्डा, रनवे लाइटिंग, कार कॉलिंग, नाइट लैंडिंग सुविधाओं, एक खाद्य स्टॉल और एक ATM से सुसज्जित है। मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन सूचना केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा MIR डॉक्टरों और नर्स जैसी चिकित्सा सुविधाएं जल्द ही प्रदान करने वाली है। एक नया एकीकृत टर्मिनल 9,350 M2 के क्षेत्र के साथ बनाया जाएगा और पीक आवर्स में 500 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। परियोजना में वर्तमान 1,988 मीटर से 2,750 मीटर तक रनवे का विस्तार, एक 14 किलोमीटर लंबी सीमा की दीवार, शहर में हवाई अड्डे को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क, ATC नियंत्रण टावर, सह तकनीकी ब्लॉक, एप्रन, टैक्सी बे, आइसोलेशन बे और दमकल केंद्र आदि शामिल है, जिसका शिलान्यास 13 अगस्त 2018 को सुरेश प्रभु, जयंत सिन्हा और राकेश सिंह द्वारा किया गया था और जून 2021 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप जबलपुर घूमने के लिहाज से गए हैं तो एयरपोर्ट के नजदीकी आकर्षणों में धुआंधार वाटरफॉल, मार्बल रॉक, मदन महल फोर्ट, बैलेंसिंग रॉक, रानी दुर्गावती आश्रम और पिसनहारी की मढ़िया आदि घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जबलपुर एयरपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह के देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।